शाहीनबाग इलाके से एक बड़ी खबर आ रही है, जहां पर दो दिन पहले जामिया में गोली चली थी और आज फिर अभी एक शख्स ने वहां पर गोली चलाई है। जानकारी के मुताबिक शाहीनबाग के इलाके में जहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा था, एक शख्स ने फायरिंग की। हालांकि पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया है, मगर कौन है ये शख्स, क्या इसकी मंशा थी और क्या इस गोलीबारी में किसी को चोट आई, कोई जख्मी हुआ, फिलहाल इसके बारे में जानकारी लेने के लिए सीधे रुख करेंगे अपने सहयोगी धर्मेंद्र की तरफ। हमारे साथ में फोन लाइन के जरिए इस वक्त में जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र, आवाज आ रही है आपको? जी। धर्मेंद्र, आप शाहीन बाग में पहले एक शख्स पिस्टल के साथ पकड़ा जाता है, उसके बाद में जामिया में फायरिंग होती है और आज तीसरा यह वाकया है जहां पर गोली चली है शाहीन बाग में। क्या है पूरा मामला, क्या जानकारी आ पा रही है? जबार, आज से चार दिन पहले जो शख्स पकड़ा गया था, जो कि सभा स्थल पे, वो एक बाद में दुकानदार निकला जो कि वहां पे जो धरना प्रदर्शन के चलते जो कि परेशान था। दूसरे उसके बाद दूसरी जो घटना थी, 30 तारीख को जब राजघाट की तरफ मार्च कर रहे थे जामिया के छात्र, उस समय आपने देखा कि एक शख्स ने फायरिंग की जिसमें घायल भी हुआ था छात्र। और आज जो है लगभग जहाँ पे शाहीन बाग में जो धरना स्थल है उससे 20 कदम की दूरी पर एक शख्स ने गोली चलाई है और गोली जो है हवाई फायरिंग किया है। वो किसी पे निशाना साधकर नहीं किया, लेकिन मकसद उसका दहशत फैलाना था, डर फैलाना था। तुरंत वहां जो पुलिस खड़ी थी जो कि धरना स्थल पे। धर्मेंद्र, आपकी बात हुई होगी, आपकी बात भी हुई होगी इलाके के जिले के डीसीपी से, वहां के लोगों से या फिर स्थानीय पुलिस से, क्या कहना उनका है? कुछ कह रहा था ये शख्स, किसी किस्म की कोई मांग कर रहा था? क्योंकि इससे पहले जिन लोगों ने वहां पर गोली चलाई है, पिस्तौल दिखाया, किसी ने कहा कि रास्ता खोला जाना चाहिए, लोगों को दिक्कत हो रही है, किसी ने कहा कि तुम लोग देशद्रोही किस्म के नारेबाजी कर रहे हो और ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं है। आज इस शख्स के बारे में क्या कोई जानकारी मिल पा रही है? तो जबार, जो पहली सूचना मिली है कि ये शख्स जो है बाइक से वहां पहुंचा है, पहुंच के थोड़ी देर खड़ा रहा, उसके बाद से पिस्टल निकाली है और उससे पिस्टल निकाल कर हवाई फायरिंग चालू कर दिया। जैसे ही दो हवाई फायर किया, उसके बाद पुलिस दौड़ी है, दौड़ के उसको पकड़कर और थाने ले गई है। अभी पूछताछ कर रही है पुलिस, चूंकि और कोई नारा नहीं लगाया, कोई स्लोगन नहीं था जैसा कि परसों की घटना में हुआ था, ऐसा कोई नारा था। थोड़ी देर बाद अभी पता चल पाएगा, थोड़ा इंतजार करना होगा। धर्मेंद्र, क्या कोई जानकारी अब तक आ पा रही, कौन है ये शख्स, क्या जामिया का स्टूडेंट है, उसी इलाके का है या किसी दूसरी जगह से आया, किसी किस्म की कोई जानकारी? अभी वहाँ के जामिया का स्टूडेंट नहीं बताया जा रहा है, ये कोई अलग से बाहरी आदमी है, लेकिन वो कौन है, किस संगठन से जुड़ा है या परेशान था, अभी ये पूरी सूचना अभी थोड़ी देर इंतजार करना होगा। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र, तमाम जानकारी के लिए। आपने कहा बना करके रखा, आगे भी आपकी तरफ रुख करेंगे। तो जामिया के शाहीन बाग इलाके से, उस जगह से जहां पर विरोध प्रदर्शन चल रहा है सीए के खिलाफ में, एक शख्स आज फिर पहुंचता है, वहां पर हवाई फायरिंग करता है, मगर पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए उसे कब्जे में लिया। फिलहाल उससे पूछताछ इस वक्त जारी।